वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब गाइस? और आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक देखना ताकि आपको सब कुछ अच्छे से मेरी बातें समझ में आ जाए गाइस। और ये जो भी आवाज़ आ रही है, जो भी नॉइज़ हो रहा है गाइस, तो इसके लिए सो सॉरी, क्योंकि हमारे घर के बगल में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है गाइस, बिना किसी और बात की मैं स्टार्ट करती हूँ सीधे हम अपने वीडियो को, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का गाइस। ठीक है, तो देखो गाइस, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है ना, वो आजकल सबको होती है। ठीक है, लेकिन आपको नोट ये करना है ना कि अगर एक दिन में आपके 100 से ज़्यादा हेयर स्ट्रैंड्स टूट रहे हैं तो ये प्रॉब्लम की बात हो सकती है। प्लस आपको ये देखना है कि हेयर फॉल हो रहा है बट न्यू हेयर की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। अगर न्यू हेयर की ग्रोथ नहीं हो रही है गाइस, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आगे जाके आपको एलोपेशिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो अपनी डाइट सुधारनी होगी। अगर आप फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हो, स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा खाते हो, तो आपको ये बिल्कुल कम कर देना होगा। और मैं तो कहूँगी आप इसे छोड़ ही दो कुछ दिनों के लिए। ठीक है, और प्लस आपको हेल्दी डाइट लाना होगा। ठीक है, जैसे आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स प्लस सैलेड आपको अपने खाने में ऐड कर देना चाहिए गाइस। प्लस कर्ड खाना आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, और फिर मैं आपको एक चीज और बताने वाली हूँ कि आप नट्स खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, ये आपके हेयर के लिए भी और प्लस आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और इसके साथ साथ आपको कुछ हेयर रेमेडीज, कुछ DIY वगैरह घर पे जो होते हैं ना, वो ट्राई करने चाहिए, क्योंकि इनकी जो बेनिफिट होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं कम टाइम में। लेकिन हाँ, ये नहीं करना है, मैं कम टाइम कह रही हूँ तो नहीं एक बार लगा लिया यार मेरे बाल तो यहाँ से घुटने तक हो जाने चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको एटलीस्ट कोई भी हेयर रेमेडी को एटलीस्ट मैं बता रही हूँ 2 से 3 मंथ्स तो यूज़ करना ही है कॉन्स्टेंटली, तब आपको पता चलेगा कि इसके क्या रिजल्ट हैं, या आपके ऊपर सूट कर रहा है, आपको फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है गाइस। ठीक है, मैं अभी रेगुलर 3 हेयर रेमेडीज यूज कर रही हूँ गाइस, और इसे मैं रेगुलर यूज कर रही हूँ और इसके फायदे मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये जो आप हेयर्स देख रहे हो ना, ये बेबी हेयर्स गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से मैं अपने हेयर की केयर कर रही हूँ, जो रेमेडीज यूज कर रही हूँ, सिर्फ उनका ही ये रिजल्ट है गाइस। तो इसके पहले मैंने आपको 2 हेयर रेमेडीज बता दिए थे, एक तो था फ्लैक्सीड जेल वाला और दूसरा था वो फेन्युग्रीक पाउडर वाला। ठीक है गाइस, फेन्युग्रीक पेस्ट करके और जो हेयर में लगाना था मैंने आप लोगों को बताया था, और आज भी कुछ उससे रिलेटेड ही मैं लेकर आई हूँ। तो इसके लिए आपको इन्ग्रीडियंट्स क्या चाहिए, तो देखो आपको चाहिए फेन्युग्रीक, इससे आपको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है और ग्राइंडर में इसे आपको बिल्कुल पाउडर बना लेना है। देन आपको चाहिए कलौंजी, इसे मंगरेला भी कहते हैं कुछ लोग। ठीक है, कलौंजी लेना है, उसमें आपको 4 सेज पत्ते लेने हैं, और फिर आपको लेना है कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ते को आपको सनड्राई कर लेना है ताकि वो सूख जाए। उसके बाद आपको इन तीनों को रोस्ट कर देना है तवे पे। ठीक है, रोस्ट करने के बाद आप इसे अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं और इसका पाउडर बना के आपको स्टोर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जब भी आप हेयर वॉश करते हो, हेयर वॉश करने के बाद आपके हेयर जब सूख जाते हैं ना, उसके बाद आपको ये हेयर रेमेडी लगानी है। ये नहीं कि गंदे संदे बालों में आपको ये अप्लाई करना है, नहीं ये गलत है गाइस। आपको हेयर वॉश कर लेना है, उसके बाद इसे अप्लाई करना है अपने हेयर पे। तो आपको करना क्या है, 2 चम्मच मेथी पाउडर लेना है, 2 चम्मच जो मैंने बताया कलौंजी और सेज पत्ता और करी पत्ते वाला जो पाउडर है वो लेना है, उसमें आपको पानी ऐड कर देना है गाइस, और वो जो पेस्ट है ना वो बिल्कुल थिक हो जाएगा, इन दोनों का पेस्ट जो है वो थिक हो जाएगा। आपको पानी डाल के इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपको इसे सबसे पहले सेक्शंस निकाल निकाल के आपके हेयर के स्कैल्प में लगाना है। ठीक है, आपके स्कैल्प में लगाना है सेक्शंस निकाल के, उसके बाद जो बच जाता है उसे आपको अपने पूरे लेंथ में लगा लेना है। अब मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, और मैं आपको अभी जस्ट रेमेडी को अप्लाई करके भी दिखाती हूँ गाइस। गाइस इसका सच में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में भी मैं इसे शेयर कर देती हूँ। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी या कुछ भी पूछना होगा ना गाइस, आप इसे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पक्का से आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी गाइस। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये रेमेडी कैसे तैयार होती है, और फिर इसे अप्लाई करके भी दिखाती हूँ आपको। गाइज ये जो आप देख रहे हैं ये वही पाउडर है जो मैंने आपको बताया था, कलौंजी और सेज पत्ते का और करी पत्ते का पाउडर, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है पहले ही और स्टोर करके मैं इसे हमेशा रखती हूँ अपने पास।
तो ये मैंने ले लिया है एक चम्मच अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग। और अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ एक चम्मच मेथी पाउडर। और गाइज इसमें अब हमें डाल देना है पानी, और पानी डालने के बाद आपको इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है गाइज, ताकि ये एक बहुत ही अच्छा इसमें थिक पेस्ट इसका जो है वो फॉर्म हो जाए। गाइज यहाँ जो आप देख रहे हैं इसका जो थिक पेस्ट है वो फॉर्म हो चुका है, और अब मैं इसे आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। गाइज सबसे पहले आपको करना क्या है ना कि आपके अपने हेयर को आपको सबसे पहले टैंगल फ्री कर लेना गाइज, ठीक है, कॉम कर लेना है आपको अपने हेयर को अच्छे तरीके से, कोई भी टैंगल्स नहीं होने चाहिए इसमें। और उसके बाद आपको फिर सेक्शन निकाल निकाल के इसे अप्लाई करना है गाइज, ठीक है। तो मैं अब आपको अप्लाई भी करके दिखा देती हूँ। गाइज आप देख लो ये पेस्ट जो है बिल्कुल थिक हो चुका है और रेडी हो चुका है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला था और ताकि ये थोड़ा सा रनी वे में हो जाए, उसके बाद मैं अब इसे अप्लाई कर लूँगी, ठीक है। तो आपको लेना है इसे अपने हाथ में इस तरह से, और आपको इसे ऐसे सेक्शंस निकाल के और ना अप्लाई कर लेना है आपको। गाइज देखो ये रेमेडी मैंने लगा लिया है बिल्कुल अच्छे से, और लगा के मैंने बन बना लिया है। और आपको भी ये रेमेडी बिल्कुल जिस तरह से मैंने बताया है बिल्कुल उसी तरह से यूज़ करना है, उसी तरह से अप्लाई करना है आपको अपने हेयर पे इसे। और एक चीज़ और बताऊंगी गाइज, अगर आपने वो फ्लैक्सीड वाला हेयर पैक और मेथी वाला जो इसके पहले मैंने हेयर पैक बताया था वो नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे चेक कर लो, मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगी। और गाइज ये तीनों रेमेडीज आप एक साथ कॉन्स्टेंट वे में 3 महीने यूज़ करो, उसके बाद आपके रिजल्ट्स जो होंगे ना वो बहुत ही ऑसम होंगे गाइज। आपके हेयर्स और ज़्यादा ग्रो करना स्टार्ट होंगे, न्यू हेयर आएंगे आपके स्कैल्प पे, और प्लस इसके साथ साथ आपको हेल्दी डाइट भी फॉलो करनी है गाइज जो मैंने आपको बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है और हेल्पफुल लगती है तो गाइज इसे लाइक कर देना, बहुत से लोगों के साथ में शेयर कर देना, और अगर आप आज मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना गाइज। तब तक के लिए बाय।